क्या बात है भाई, मतलब कुछ चैनल्स इस टाइम इस तरह से झूठी झूठी खबरें फैला रहे हैं, र्यूमर्स उड़ा रहे हैं। मतलब अपना चैनल टीआरपी चलाने के लिए, मतलब टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी अंट शंट बोल रहे हैं विदाउट प्रूफ, और लोग भी भागे भागे जा रहे हैं। जनरली ऐसा होता है जब कोई इन्फ्लुएंसर जिसके साथ कुछ होता है, वो अगर अपनी वीडियो लाए उसके बाद एकदम से सोशल मीडिया से गायब हो जाए, तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत ही अजीब अजीब से थंबनेल लगाएंगे, ठीक है, जो वॉइस ओवर से आते थे वो भी अब फेस से आएंगे, और इतनी सारी चीजें विदाउट प्रूफ बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ चैनल्स की आज बात करेंगे। मीडिया पहुंची स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के घर, कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है ये तो आप लोग ही बताएंगे, है ना। और बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, जो चैनल का नाम चेंज हुआ है, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे जहां पे लोग ये तक लिख रहे हैं, क्या अंशु ने दिया धोखा किसको, सपना को। इतनी बड़ी बड़ी जो बातें बोली जा रही हैं, देखिए सबसे पहले मैंने ही अपने चैनल से ये चीज बताई थी, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने मुझे अपने मेरे चैनल पे अपडेट दिया था कि जो उसका नाम है चैनल का दी रॉड शॉर्ट्स। अच्छा, काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि द रॉड तो चैनल का नाम सेम है। देखिए द रॉड सेम है, मैं वो नहीं कह रही हूँ, एक द रॉड शॉर्ट्स करके भी एक चैनल है, ठीक है, उसका नाम हे अंशु हो चुका है, और ये भी जिस दिन सपना का वीडियो आया है उस वीडियो के आने के बाद ही हुआ है, ठीक है। तो बीच में ये भी चीजें आई कि इंस्टाग्राम पे मतलब लोगों को कुछ भी चीजें बोलनी है, हालांकि मुझे नहीं पता, जब मैंने चेक किया था इंस्टाग्राम पे अंशु ने सपना को अनफॉलो कर दिया। भाई यहाँ पे लोग कुछ होता नहीं है, पहले ही कुछ भी अनाप शनाप खबरें, फिर जब हमने चेक किया तो इंस्टाग्राम पे तो भाई किसी ने कुछ अनफॉलो किया ही नहीं था, दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया हुआ है, लेकिन लोग कुछ फायदा उठाते हैं और कुछ भी अजीब अजीब सी व्यूज लेने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल के बहुत सारी फेक न्यूज भी बताते हैं। बिल्कुल, मैं आज उन कुछ चैनल्स की भी बात करूंगी। और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। सबसे पहले तो आप लोगों को हाथ जोड़ के नमस्ते एंड थैंक यू, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना विश्वास आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं, और मैंने मुझसे काफी लोग सपना का अपडेट मांग रहे थे, लेकिन मैंने भी अपने चैनल से कोई भी ऐसी फेक न्यूज नहीं बताई, ठीक है। मैंने तब यहाँ पे आके बताया जब मुझे क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे तो देखिए कोई भी आके अपने चैनल से कुछ भी बोल सकता है कि नहीं सपना ठीक है, सपना ठीक है, लेकिन नहीं, दिल नहीं मानता, आप बिना बिना प्रूफ के नहीं बोल सकते। मैंने कल शाम को वीडियो डाला जब उनके खुद की घर की बहू, यानी कि उनकी जो जेठानी है सपना की, ठीक है, देखिए घर के आसपास भी हो या घर वालों से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कहते हैं ना कि सोर्स मिल जाता है, सूत्र मिल जाता है, ठीक है। तो उनको मेरे ख्याल से किसी ने भी ये नहीं बोला होगा कि आप प्रूफ दो, क्योंकि उस घर की बहू है, ठीक है। मानसवी व्लॉग्स जब उनका चैनल पे उनका वीडियो आया, राइट, कि मैंने पता किया है किसी सोर्स से और वो सपना बिल्कुल ठीक है और अपने ससुराल में ही है, तो बहुत सारी जो इधर उधर से न्यूज आ रही थी, बहुत सारे लोग अपने चैनल्स पे कुछ भी बोल रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे सपना जा चुकी है, कुछ लोग कह रहे थे सपना मायके जा चुकी है, कुछ लोग कह रहे थे सपना एक सुरक्षित स्थान पे पहुंच चुकी है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि नहीं, सपना अपने घर पे ही है, ठीक है, और अपनी सासू माँ ससुराल में ही है। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें, देखिए मैं कुछ चैनल्स को देख रही हूँ, कुछ बॉलीवुड करके कोई चैनल है, और बहुत सारे जो चीजें जो हमेशा से वॉइस ओवर में आते थे अब वो खुद फेस के साथ आके, और बहुत सारी चीजें, क्योंकि अभी सपना इस टाइम एक्टिव नहीं है चैनल पे, आई होप शी इज फाइन, ठीक है। उस वीडियो के बाद काफी लोगों को दिल में, मतलब कई बार होता है यार, जैसे वो नहीं है तो उनकी एब्सेंस में बहुत सारी कुछ भी न्यूज चला रहे हैं अब इनके चैनल पे, ठीक है, जो मैं चैनल बोल रही हूँ, मतलब कुछ भी कि हाँ शिवपुरी से ही है उनके रिपोर्टर, और वहाँ पे पहले उनका गेट खुला रहता था, कुछ ऐसी न्यूज़ डाल रहे हैं कि अब देखो गेट बंद है, और रिश्तेदार उनको कॉल कर रहे हैं। अरे भाई, रिश्तेदार कॉल कर रहे हैं और जब कॉल कर रहे हैं कि आपने देख लिया, मतलब कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ कि लोग आए हमारे चैनल पे, हमें व्यूज मिले, ठीक है। तो ऐसे चैनल्स पे भरोसा ना करें, पहले तो मैं ये कह रही हूँ जो भी चैनल्स हैं, ठीक है। और कि ये भी चीज़ें बोली जा रही हैं कि वहाँ पे फिर उन्होंने भी सपना जो ये इनकी सासू माँ है, ठीक है, उनकी बहन, मायके वाले, उनके भाई सब आए हैं, और फिर यहाँ पे जो सपना की मम्मी है उनके मायके वालों को भी बुलाया गया है, ये लोग भी आए हैं, और आए हैं तो फिर वहाँ पे जब उसकी मम्मी आई है तो सपना की मम्मी उनसे लड़ रही है, झगड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें बोल रही है, फिर सपना की मम्मी भी लड़ रही है, सपना की मम्मी भी बोल रही है कि तुमने देखो तुम्हारा बेटा ये था वो था, मतलब इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हैं वो लोग,
ठीक है, और कोई प्रूफ नहीं है। अरे भाई, आप अगर आपको कुछ वाकई आपकी चीजों में सच्चाई है तो एक प्रूफ भी लगाना चाहिए था, ठीक है। अगर वाकई ये सब चीजें हुई हैं, जैसे सास वहां पे आके उसकी मम्मी की लड़ाई हुई, ये देखो तुम्हारा बेटा ऐसे मारता था पीटता था, है ना, ये सब चीजें भी हुई हैं, तो ये सब चीजें किस उस पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी ऐसी चीजें देख रहे हैं उन पर भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसे तो देखिए कोई भी चैनल उठ के आ जाएगा और कुछ भी बोलने लगेगा, ठीक है। हमें वहां पे मानसवी व्लॉग्स, मानसवी उन्हीं के घर की, कल जब उसका वीडियो आया उसने भी अपने चैनल पे एक रिकॉर्डिंग लगाई थी जहां पे लोग कह रहे थे, क्योंकि सपना की वीडियो के बाद लोगों के अंदर इतना फियर डर चुके हैं, लोगों के अंदर इतनी एंजाइटी है, लोग बहुत परेशान, ठीक है, लोगों के दिमाग में यही था बस वो ठीक है कि नहीं, इतना सब कुछ इसने वीडियो डाल दी सोशल मीडिया पे, उसके बाद उसके ससुराल वाले उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, है ना, उसको मारेंगे पीटेंगे जो भी चीजें हैं, है ना, उसके साथ कैसा टॉर्चर होगा, ये सब सोच के लोग डर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे मानसवी जी ने कल बताया कि नहीं, वो घर पे ही है और सपना के सपोर्ट में है, और सबसे रिक्वेस्ट भी करिए कि आप सपोर्ट करो। उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी लगाई थी जहाँ पे लोग सोच रहे थे ये सपना की आवाज़ है, नहीं उनकी आवाज़ थी, ठीक है, उनका ही कोई, जहाँ पे वो उन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि देखो मेरे साथ भी कितना गंदा करते थे मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड, उनका भी केस चल रहा है, और भी वो कह रही है कि मैं कुछ लीगल एक्शन लेने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें और केसेस करने वाली हूँ। तो इनकी जो सास है वो भी धमकी देती थी और वो यही कह रही थी कि सूरज से बोल दूंगी सूरज। तो देखिए एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, जिस तरह से मार पीट रहा था जो इनका पहला हस्बैंड है सूरज चौधरी, उससे ये तो चीज़ हो गई कि किस तरह से मतलब एक इंसान, मैंने जैसे पहले भी बोला मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए, आज वो इस टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक कमज़ोर पे, ठीक है, जो आपसे कमज़ोर है आपसे छोटे उस पर आप अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो, मार पीट रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए, पहली बात तो ये मैं बोलूँगी, ठीक है। और ऐसे जितने भी लोग इस तरह की छोटी सोच वाले होते हैं, नीच हरकत करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मानसवी जी के जो भी चीज़ें उन्होंने आज तक अपने चैनल पे बोली थी, कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों में अब सच्चाई दिख रही है। उन्होंने यहाँ तक ये चीज़ बोली थी, मुझे जलाने की कोशिश करी गई, मुझे भी लात घूसों से मारा जाता था, और जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे मारा गया, जलाने की कोशिश की गई, मारा गया, उन्होंने दो तीन चीज़ें बताई भी थी, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि फैमिली मैटर है, ठीक है, और उनको अपनी फैमिली देखने दीजिए, बाकी बस मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर करूँ, बिल्कुल ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन फैमिली मैटर क्योंकि यहाँ पे सपना की जान से रिलेटेड है, ठीक है, उसकी जान को खतरा था, और जिस तरह से वीडियो आई उसके बाद अभी फैमिली मैटर नहीं है। यहाँ पे एक लड़की के साथ गलत हुआ है जो कि सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा नाम है, इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, लोगों ने उसको देखा है, लोग उसको देख रहे थे कि वो किसी तरीके से, है ना, ठीक हो रही थी अपनी लाइफ में, अपनी बेटियों को संभाल रही थी, ठीक है, अपने को संभालने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसको मैंने जितने बार भी देखा है उसके चेहरे पे एक दर्द दुख दिखा है, ठीक है, मेंटली वो परेशान दिखी है, और कहीं ना कहीं उसको एक कहते हैं सहारा, उसको एक हाथ जो प्यार करे उसको, जो उसके साथ टाइम स्पेंड, जो उससे प्यार के दो बोल बोले, वो उसकी चाह में दिखती थी, ठीक है। लेकिन जब एक इतना बड़ा चीज़ जब देखने को मिलती है कि उसके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, और लोग ये भी सोच रहे थे कि कैसे उस घर में रह रही है, उसके बाद वर्बली टॉर्चर हो रहा होगा। देखिए अब मारने पीटने वाली बात जो लोग कह रहे हैं कि चलो अब तो वो नहीं है, मारेगा पीटेगा नहीं, ले सास ससुर थोड़ी सेज में मारेंगे, उन्होंने अपने बच्चे खो दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि हमें किसी का कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कई बार आपको कोई फिजिकली ना मार के भी, कई बार बोल के ऐसे कटाक्ष मार के ऐसे पोक करता है, इतना बुरा बुरा लगता है। और जहाँ से सपना, जहाँ पे शिवपुरी, ठीक है, जहाँ पे इनका ससुराल है, उस साइड की मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, वहाँ पे बहुत गंदा गंदा बोला जाता है बहुओं को, राइट। और सपना ने जो चीज़ें, सपना ने सही हैं, और आज भी यू नेवर नो, उन्होंने जिस तरह से ढकी है, उन्होंने हमेशा से एक अच्छी बहू होने का फ़र्ज़ निभाया है, उसके साथ पति सास ससुर क्या कर रहे थे उसने कभी चीज़ें नहीं बताई। चलिए ये सब चीज़ें छोड़ के हम बस यही कहते हैं कि ऐसी चीज़ों पे भरोसा ना करें। चैनल का नाम, हाँ जी, बींग अंशु हो चुका है, अब लोग जो अंशु तक पे सवाल उठा रहे उसमें धोखा दिया, अरे भाई वो बच्ची है, और जितना मैंने देखा है उसने तो हमेशा सपना की हेल्प करी है, ठीक है। अगर नाम चेंज हुआ है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि किसने ज़बरदस्ती चेंज करवाया है, या अंशु ने चेंज किया है, किसने चेंज किया है, ठीक है, उसके मम्मी पापा का उस पर फोर्सफुली उसको बोला गया है, क्या हुआ है, ये तो जब सपना और अंशु आएंगे तभी हमें क्लियर होगा, लेकिन नाम ज़रूर डेफिनेटली चेंज हुआ है, ठीक है, दी रॉड शॉर्ट सब चेंज हो गया, बींग अंशु। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है सपना ने एक चीज़ बोली थी, अगर चैनल की भी बात आती है, ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी और
कलह और ये सब चीजें अगर चल रही है इनके घर में, अगर चैनल की भी बात आ रही है, सपना इतने सारे चैनल्स नहीं चला पा रही थी, उसने खुद कहा था मैंने एक चैनल दे दिया है, लेकिन दी रॉड शॉर्ट से नाम चेंज करने में क्या सपना की भी इस चीज में रजामंदी है? क्या सपना से और चैनल्स, जितने और चैनल है, क्या ये भी इससे छीन लिए जाएंगे? मुझे लगता है कि सपना को ये सब चीजें हम लोग तब ही बोल पाएंगे जब सपना का प्रॉपर कोई वीडियो आता है। तब तक कोई भी ऐसे फेक चैनल्स, मीडिया रिपोर्टर और जितने भी फालतू के जो चैनल्स हैं, जो कुछ भी सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी बोल रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ, उनकी बातों पे भरोसा ना करें फिलहाल, क्योंकि मानसवी इनके घर की ही बहू है, ठीक है? उसने जितना चीजें बताई हैं उस पर हम भरोसा 1% कर सकते हैं, ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। बाकी यस, हम लोग वेट कर रहे हैं सपना की वीडियो का, और सपना ने एक वीडियो डाला, उसके बाद उसका कोई वीडियो नहीं आया। ये तो पता चल चुका है कि शी इज सेफ, शी इज फाइन, लेकिन सपना का वीडियो का वेट है। आई होप उसका वीडियो जल्दी आए। और कुछ लोग कल लखनी, जैसे मैंने कल लखन भाई का भी बोला था, देखिए लखन भाई सिर्फ नाम के भाई नहीं है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली सपना से मिलने वो जाएंगे शिवपुरी और उसका हालचाल भी लेकर आएंगे। और हम लोग भी यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया पे हैं, देखो जितना मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैंने बोला था जो लोग आसपास रहते हैं, ठीक है, तो लखन भाई प्लीज आप जाएं और एक अच्छा सा लोगों को अपडेट भी दें कि क्या है सपना के साथ, अगर सपना आपको परमिट करती है, ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर देख के आइए कि सब ठीक है कि नहीं, और हम लोगों को प्लीज़ बताइए ताकि और चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं। देखिए ये तो उन पर डिपेंड करता है कि उनको टाइम मिलता है कि नहीं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि क्योंकि उनको भी कंसर्न होगा। देखिए उस वीडियो के बाद काफ़ी लोग हैं, और मुझे लगता है कल मेरी लाइफ में भी कुछ लोग आए थे जो वहीं पर रहते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी एक डर है, ठीक है, कि जाएँ कि नहीं जाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जाने से पहले जो लोग भी इस चैनल पे हैं, अच्छा मैं कुछ चीज़ें और भी देख रही हूँ इसी सोशल मीडिया पे, कुछ रिएक्शन चैनल्स को कुछ ब्लॉगर्स पूरी फैमिली मिलके बहुत गंदे तरीके से टारगेट कर रही है। कुछ लोगों ने कहा कि वो काफ़ी टाइम से वीडियोज़ बना रही है, अरे भाई रिएक्शन चैनल है, ठीक है वो वीडियोज़ बनाएंगे, लेकिन कमिंग टू दिस पॉइंट कि आपकी पूरी फैमिली अगर उसको टारगेट करेगी, और कुछ इतने गंदे शब्द, मतलब कैसे बोलूँ मैं, बहुत ही गंदे शब्दों का यूज करके उसको टारगेट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको ठीक है चीजें बोलनी है, लेकिन इतने गंदे शब्दों पे मत गिरो, ठीक है। थोड़े से एक औरत है, ठीक है, और मैंने उनका आज का वीडियो देखा, उन्होंने एक एक चीज, मुझे लगता है कि वो कुछ गलत शब्दों का यूज तो नहीं कर रही है आपके लिए, ना ही आपकी मॉम के लिए। नाम चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि यूट्यूब पे कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से अलाउड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आप जो नाम ले रहे हो क्या ये बहुत ही गंदा नाम नहीं है? थोड़ा सा एक औरत की गरिमा, एक औरत का रिस्पेक्ट समझना चाहिए, और प्लीज़ बहुत गंदगी बढ़ती जा रही है, कोशिश करिए ये सब चीज़ें ना बोलें, क्योंकि आपको भी इतने लोग देखने आते हैं। मुझे नहीं समझ आता कौन से लोग हैं जो इनको इनकरेज करते हैं, उनको समझाना चाहिए, ठीक है आपके इन्फ्लुएंसर हैं, आप इनको इतने टाइम से देख रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें, मैंने एक ही वीडियो देखा और उसमें मुझे लिटरली मैं नहीं देख पाई पूरा वीडियो। तो जिस शब्दों का प्रयोग करके आप उस लेडी को, रिएक्शन वाली को बोल रहे हैं, प्लीज़ मत बोलिए, आप उसको कुछ और बोलिए, ये वर्ड बिल्कुल मत यूज़ करिए, क्योंकि एक औरत के लिए, आप खुद सोचिए ना, अगर कोई आपकी वाइफ आपकी मदर के लिए ऐसे बोलेगा, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।